दोस्तों ट्रेडिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एस्कॉर्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड शेयर की तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है, तो अभी हम लोग चलेंगे इस न्यूज के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई केवल ऑथेंटिक न्यूज ही आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑथेंटिक यानी कि जो ऑफिशियल न्यूज निकल के आती है, सिर्फ उन्हीं न्यूज को कवर किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्कॉट्स के अंदर इस न्यूज़ के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी 0.74% की आप लोगों को यहाँ पे स्कॉट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए स्कॉट्स का मैंने न्यूज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल ही शॉर्ट में लिख के रखा है। पहले मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। स्कॉट्स लिमिटेड एग्री मशीनरी सेगमेंट ईएम इन मई 2021 सोल्ड 6423 अगेंस्ट 6594 ट्रैक्टर सोल्ड इन मई। तो बेसिकली यहां पे जो हम सभी को पता है मई का महीना खत्म हो चुका है, जून यहां पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहां पे मई के अंदर स्कॉट्स ने जो टोटल ट्रैक्टर सोल्ड किए दोस्तों आप देख सकते हैं 6423 ट्रैक्टर्स आप लोगों को सोल्ड करते हुए नजर आई, जो कि पिछले साल अगर मई से कंपेयर किया जाए तो 6594 ट्रैक्टर्स आप लोगों को सोल्ड करते हुए नजर आई थी। तो नो डाउट दोस्तों पिछले ईयर से यहां पे इनके जो सेलिंग यूनिट्स हैं उस पे आप लोगों को इफेक्ट डलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको एक तरीके से आप नेगेटिव न्यूज बोल सकते हैं, जिसकी वजह से स्कॉट्स में अभी आप देखेंगे तो 0.74% की गिरावट शो करते हुए नजर आ रही है। और उसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे मनी कंट्रोल के डाटा पे लेके चलना चाहूंगा कि इस चार्ट में क्या करना चाहिए। तो यहां पे मैं स्कॉट्स आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूं, और यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो स्कॉट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो अपने 52 वीक हाई से है 19.98% की डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और वहीं पे अगर एक चीज और देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि म्यूचुअल फंड ने दोस्तों अपनी होल्डिंग्स को यहां पे डिक्रीज कर दिया है, जो कि पहले उनके पास 6.94% का यहां पे स्कॉट्स के अंदर उनकी शेयरिंग थी, अभी उन्होंने 5.35% कर दिया है, जो कि यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट्स आप लोग बोल सकते हैं जो कि स्कॉट्स की तरफ से निकल के आ रहा है। वहीं पे अगर टेक्निकल रेटिंग के बारे में बात कर ली जाए मनी कंट्रोल के अंदर, तो आप देखेंगे आप लोगों को यहां पे स्कॉट्स में न्यूट्रल शो करते हुए नजर आ रहा है। मनी कंट्रोल का ऐसा मानना है कि आप लोगों को ना बाई करके चलना चाहिए, ना सेल करके चलना चाहिए, वेट करना चाहिए। मूविंग एवरेजेस में आप लोगों को न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में चेक करेंगे तो बुलिश देखने को मिल रहा है। वहीं पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में अगर आप चेक करेंगे बियरिश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पे ये चीज तो हो गया मनी कंट्रोल का, आपका क्या मानना है स्कॉट्स के अंदर क्या करके चलना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।